नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, चाहे वो टेंथ के हों या ट्वेल्थ के हों, उनको फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, और जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, और जो रेगुलर हैं उनको किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए देखते हैं। इस जो CBSE की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन आया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे रेगुलर हैं उनको स्कूल में ही फॉर्म फिलअप करना होगा, उनका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, खुद से नहीं कर सकते वो, उनको स्कूल में ही जाना होगा। और जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको ऑनलाइन वो कर सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन दिया हुआ है, ऑनलाइन वेबसाइट से वो फिलअप कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं रेगुलर कैंडिडेट कौन है और प्राइवेट कैंडिडेट्स कौन हैं। और हम बात करें रेगुलर कैंडिडेट की, तो जो बच्चे, अगर हम बात कर लेते हैं रेगुलर की, तो जो बच्चे स्कूल जाते थे डेली उनको हम रेगुलर मानेंगे, जिनकी 75% अटेंडेंस थी और जिन्होंने क्लास भी अटेंड की थी, तो वो हैं हमारे रेगुलर कैंडिडेट। और प्राइवेट कैंडिडेट वो कैंडिडेट हैं जो स्कूल नहीं गए, बिल्कुल इस तरह से उन्होंने किया जैसे एज ए ओपन बोर्ड की तरह उन्होंने घर बैठकर पढ़ाई की है, सिर्फ एग्ज़ाम उन्होंने CBSE बोर्ड का देने के लिए वो गए थे। ये हैं प्राइवेट कैंडिडेट। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो रेगुलर कैंडिडेट ही हैं, जिनके भी कमेंट्स आ रहे हैं वो रेगुलर कैंडिडेट हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो CBSE की तरफ से जो न्यू नोटिफिकेशन आया है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि इस बार सिर्फ ये वाली जो दी हुई है सर्विस, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं। ठीक है, जो अगर प्राइवेट कैंडिडेट हैं आप और कंपार्टमेंट आई है, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हों चाहे आप टेंथ के स्टूडेंट हों, आप दोनों ही इस दोनों ऑप्शन को चूज करके जिसमें भी आपका है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ोटो इमेज अपलोड करनी होगी, और उसके बाद फीस पेमेंट करनी है, इसके बाद स्टेटस देखना, और एक कन्फर्मेशन पेज प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है, ये फैसिलिटी इज़ ओनली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। ये फैसिलिटी जो दी है ये सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है। रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ स्कूल गॉट कंपार्टमेंट शुड अप्लाई थ्रू देयर स्कूल ओनली। सिर्फ वो स्कूल में ही जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिटेड डायरेक्टली बाय कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। और ये सबमिटेड जो कैंडिडेट खुद से करेंगे वो बिल्कुल कंसिडर नहीं होगी, वो खुद से कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ भी नहीं है रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर कोई आप में से प्राइवेट कैंडिडेट है और वो चाहता है कि मैं बताऊं कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करें, तो मैं बिल्कुल बता सकता हूं। आप मुझे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी अभी इसी में डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगी आपको, कमेंट्स बॉक्स के ऊपर आप उस पर मुझे मेल कर देना, मैं किसी एक का फॉर्म फिलअप कर दूंगा, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर और मतलब आप अपना रोल नंबर, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही मुझे मेल करें, रोल नंबर, एग्ज़ाम सेंटर कोड देना है, और एक है फिर आपका स्कूल कोड हो गया, और रोल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये चारों चीज़ मेल करें मुझे मेरी मेल आईडी पर, और अपना मोबाइल नंबर भी दें, मैं कांटेक्ट करूँगा जब कोई आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, उसके बाद मैं फिर फॉर्म फिलअप करके बताऊँगा किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, उसी की वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, अगर इसमें कुछ आगे करेक्शन या चेंजिंग आती है, क्योंकि एक एक स्कूल में लगभग 80-80 बच्चों की कंपार्टमेंट है, तो अगर स्कूल वाले फिलअप करने में नाकाम रहते हैं या फिर वो उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है स्कूल की तरफ से, तो फिर से ऑनलाइन ऑप्शन खुल सकता है। तो बिल्कुल आप पहले स्कूल में जाके पता करें, उनसे कंफर्म करें कि क्या वो फिलअप कर रहे हैं ऑनलाइन, या फिर अभी वेट करें, क्योंकि ज़्यादा वेट करना सही नहीं है। अब मैं सभी से बताना चाहूँगा कि अभी जाकर वो अपना फॉर्म फिलअप करा लें, और जैसा भी स्कूल वाले बोलें रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए, तो वो बिल्कुल ऐसा ही करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर कोई